नमस्कार, आदाब। रियासत जम्मू कश्मीर की ट्राइफर्केशन होने वाली है, यानी त्रिभाजन। रियासत को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा और उसमें से निकलेगी एक जम्मू स्टेट, एक स्टेट ऑफ कश्मीर और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये है वो नया फलसफा जिसने पिछले कुछ दिनों से बेशुमार लोगों को मसरूफ़ रखा हुआ है। इंटरनेट के ऊपर घमासान डिबेट चल रही है। कोई कहता है मैं ट्राइफर्केशन के फेवर में हूँ, कोई कहता है ट्राइफर्केशन बहुत गलत हो जाएगा। इस किस्म की एक डिस्कशन चल रही है। हमने भी थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश की। आज से कुछ 15-20 दिन पहले की बात है, एक वेबसाइट के ऊपर एक इस तरह की एक स्पेकुलेटिव सी खबर आ गई कि इस तरह से ट्राइफर्केशन होने वाली है और ये बहुत जल्द, ये एक सेंटर की तरफ से एक नया इस किस्म का एक फार्मूला होगा जिससे कश्मीर के इशू को सेटल किया जाएगा। उसके बाद एक न्यूज़पेपर में थोड़ा सारा और डेफिनेटिव आ गया और इसको एक डेट भी दे दी गई कि फलां दिन ये ट्राइफर्केशन होने वाली है, यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले ट्राइफर्केशन हो जाएगी, स्टेट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब जैसे डिबेट, डिस्कशन, सोशल मीडिया, यहाँ लिंक फॉरवर्ड किया जा रहा है, वहाँ लिंक फॉरवर्ड किया जा रहा है, उसके बाद कम से कम 50 से 60 मीडिया आउटलेट्स में मुख्तलिफ जगहों पे इसके ऊपर तबसरे, डिस्कशंस, कमेंट्स, एनालिसिस, क्योंकि अब ट्राइफर्केशन हो चुकी है, अब इसके बाद किस किस्म की शक्ल और सूरत सियासत अख्तियार करती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अखबार में भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कशन हो रही है। ये एक इतने आराम से इस बात को फैला दिया गया है कि जैसे हम कोई 1,30,00,000 की आबादी वाली रियासत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक ब्रेड के लोफ के बारे में बात कर रहे हों जिसको तीन हिस्सों में काटा, बांटा और हो गया मसला हल। कैसे होती है ट्राइफर्केशन और क्या प्रैक्टिकल तरीकाकार क्या है ट्राइफर्केशन होने का? एक तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने वाली कि सेंटर के अख्तियार में किसी भी रियासत को डिवाइड करना या उसका साइज़ छोटा करना या बड़ा करना ये सेंटर के अख्तियार में नहीं है। दिस इज़ द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मरकज़ की हुकूमत और पार्लियामेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये पार्लियामेंट में डिसाइड होता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। अब क्या जम्मू कश्मीर की ट्राइफर्केशन ये भी पार्लियामेंट कर सकती है? जम्मू कश्मीर के मुताबिक कोई भी इस किस्म का, इस नौवियत का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर रियासत से सिफारशात, स्टेट असेंबली की तरफ से सिफारिश वहां पे ना गई हो। और ये भी बात याद रखने की है कि जम्मू कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन रियासत की कुछ हदूद को भी डिफाइन करता है, रियासत के एरिया को भी डिफाइन करता है और रियासत का फ्यूचर सूरत हाल किस किस्म का होगा, शक्ल सूरत किस तरह से अख्तियार होगी, ये भी अपना जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आर्टिकल 370 के थ्रू रियासत को किस तरह से गवर्न किया जाता है, दिस इज़ ए वेरी वेरी वाइड इशू। लेकिन वो लोग जो रियासत की ट्राइफर्केशन को बड़े आसानी से होते हुए देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये आसानी से ट्राइफर्केशन हो जाए, उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इस रियासत की एक ट्राइफर्केशन तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है। A lot of our friends who see glory in the, you know, erstwhile princely state, Dogra state of Jammu and Kashmir, उनको तो ये याद करना पड़ेगा कि ये रियासत बहुत बड़ी पहले हुआ करती थी, 2,22,232 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका डिवीज़न एक तो 1947 में हो गया, ट्राइफर्केट होगी तब उस वक़्त के एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही इंडिया के पास रहा और एक जिसको POK या वहाँ पे आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया और गिलगित बल्तिस्तान एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनकर वो भी पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। ये बात अच्छी तरह से जानते हुए भी कि पॉलिटिक्स में कुछ भी रूल आउट या रूल इन नहीं किया जा सकता, आप बिल्कुल अथॉरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि ये बात कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी, बावजूद उसके इतना वसूख से कहा जा सकता है अभी कि ट्राइफर्केशन वाली कोई चीज़ जो है वो होने वाली नहीं है। लेकिन इसके कुछ इतने दिलचस्प पहलू हैं कि ट्राइफर्केशन की डिमांड आती कहाँ से है और किस वजह से आती है, अगर उनके ऊपर हम गौर डालें तो जो ट्राइफर्केशन की डिमांड के अभी रीजंस आते हैं शायद उनमें से कुछ चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। पहली बार बड़े लेवल के ऊपर और एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर जो डिमांड या प्रपोजल ट्राइफर्केशन का आया वो आप सुनकर हैरान होंगे, वो आया था उस वक्त के सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह साहब की तरफ से, जिन्होंने दिसंबर 1952 या जनवरी 1953 में
एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाकर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भेजा और उन्होंने प्रपोज किया कि जम्मू में थोड़ी लोगों को काफ़ी हद तक नाराज़गी है और ये शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के साथ खुश नहीं है। उस वक्त प्रजा परिषद की एजिटेशन भी यहाँ पे चल रही थी और एजिटेशन में जब यहाँ पे कन्फ्रंटेशन पुलिस अथॉरिटीज़ वगैरह के साथ होती थी, जैसे आज आप कश्मीर में कहीं कहीं देखते हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर किलिंग्स होती थी, ऐसी छोटी छोटे लेवल के ऊपर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जम्मू में, सुंदरबनी में, रजौरी में, किश्तवाड़ में, उधमपुर में, बहुत सारे एरियाज़ में यहाँ पे भी। तो इससे निपटने के लिए एक तरीकाकार डॉक्टर करण सिंह ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम रियासत को ट्राइफ्रिकेट कर दें, लेकिन साथ ही उन्होंने एक कैविट भी दायर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर रियासत को ट्राइफ्रिकेट करेंगे तो इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत बड़ी हो सकती हैं जो शायद हम इस वक्त हैंडल ना कर सकें। लिहाजा उन्होंने प्रपोजल एक इस किस्म का दिया था कि जम्मू की जो एक डोगरा आइडेंटिटी है इसको जो हिमाचल के लोअर एरियाज हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, उसके साथ मर्ज करके क्यों ना एक अलग डोगरा स्टेट यहाँ पे बना दी जाए। डॉक्टर करण सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच और या करण सिंह और इंदिरा गांधी के बीच जो खतूत का सिलसिला चलता था उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने को है। कुछ लेटर्स ऐसे होते थे जो सीक्रेट रहते थे या जिनका जल्द जवाब आ जाता था, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे होते थे कि या तो नेहरू उन लेटर्स को आगे से सरदार पटेल को दे दिया करते थे या कुछ और हो जाता था जो कि करण सिंह के इस लेटर के साथ हुआ। इन्होंने ये लेटर लिख के जवाहरलाल नेहरू साहब के घर पर्सनली जाकर डिलीवर कर दिया, लेकिन 3 दिन के बाद ये अखबारों में शाया हो गया कि सदर रियासत की तरफ से इस किस्म का मसौदा आया। उसके बाद करण सिंह ने एक और लेटर जवाहरलाल नेहरू को लिखा और उन्होंने कहा कि ये मैंने जाती अपने हाथ से टाइप करके खुद लिफाफे को सील करके और दस्ती अपने हाथ से मैंने आपके घर पे डिलीवर किया था, ये इस खत के कंटेंट्स बाहर कैसे आ गए, जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू का कोई जवाब नहीं आया। मेरे ख्याल से नेहरू भी चाहते थे कि इसको एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कन्वर्सेशन का पार्ट ना बनाते हुए क्यों ना ये जो प्रपोजल आया है इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए और देखा जाए कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या होता है। खैर 1960s में, 70s में और 80s में भी बहुत बार ये ट्राइफर्केशन की बात चली, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर एक जो प्रैक्टिकल एक पॉलिटिकल पुश जिसको कहते हैं वो था मई 2000 में जब आरएसएस ने अपने कुरुक्षेत्र मीटिंग के दौरान एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में सिफारशात उन्होंने की कि रियासत की ट्राइफर्केशन कर दी जाए, जम्मू रियासत, कश्मीर रियासत और लद्दाख के लिए यूनियन टेरिटरी। इसके ऊपर बहुत देर तक सियासत चली और जम्मू में एक नई सियासी पार्टी ने भी, जम्मू कश्मीर स्टेट मोर्चा करके एक ऐसी पार्टी ने भी यहाँ पे वजूद लिया और उस पार्टी के लोगों ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। ये पार्टी ट्राइफर्केशन के लिए कैंपेन यहाँ पे कर रही थी, लोगों ने काफ़ी भारी तादाद में वोट भी लिए। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जम्मू की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 28,000-30,000 के करीब उन्होंने वोट भी लिए, लेकिन कुल मिला के ये हुआ कि 2002 में बीजेपी वॉज इन अ पोजिशन टू विन ऑनली वन सीट इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, कि वो इतना कन्फ्यूज हो गया इशू कि बीजेपी ने ऑफिशियली इसको पूरी तरह से ट्राइफर्केशन के मसले को सपोर्ट नहीं किया हुआ था। ये ग्रेजुअली फिर वो ट्राइफर्केशन की डिमांड जो है वो स्लो डाउन होनी शुरू हो गई और बाद में जब आप तफसीलात देखते हैं या इन द हाइंड साइड जब आप जाकर एग्जामिन करते हैं कि उस वक्त अडवाणी साहब तो कहते थे कि ट्राइफर्केशन के बारे में बात करना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी एक चीज़ हो सकती है जिससे हम कुछ मामले हल कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली बीजेपी ने कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता करके आरएसएस ने भी इसमें स्लो डाउन करना शुरू कर दिया एंड एक माना जाता है कि आरएसएस के उस वक्त के बहुत बड़े लीडर थे जिनका एक इमोशनल एसोसिएशन थी और वो चाहते थे कि ट्राइफर्केशन के तरीके से चीज़ों को आगे किया जाए। बाद में वो लीडर भी शायद ट्राइफर्केशन की वजह से जो बीजेपी को यहाँ से लॉस देखना पड़ा इसका भी जब ऑडिट किसी वक्त हुआ होगा और वो लीडर भी आरएसएस में भी थोड़े सारे वो उस पॉलिसी को ज़्यादा आगे पुश नहीं कर पाए और लेटर ईयर्स में फिर आरएसएस ने दूसरी चीज़ें भी देखी कि 35A के साथ कैसे डील किया जा सकता है, बाकी इश्यूज़ के साथ कैसे डील किया जा सकता है। अब जब पिछले 10-15 दिनों में ये इशू बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हर जगह इसके ऊपर हो रही थी और यहाँ पे इन दिनों एक आरएसएस की मीटिंग बहुत हाई लेवल मीटिंग यहाँ पे थी, वो हाई लेवल इस वजह से, वैसे तो वो एक रूटीन एनुअल अफेयर था जिसमें आरएसएस की बहुत सारी ऑफशूट्स के जो कारकर्दगी है उनके इश्यूज हैं उनको रिव्यू किया जाता है, लेकिन आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर्स
नेशनल लेवल के, और उनके अलावा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की प्रेजेंस में इस मीटिंग से ये हाई प्रोफाइल बन गई। बाद में हमने बहुत सारे अपने सोर्सेज के साथ सबके साथ चेक करके ये मालूम करने की कोशिश की, इस मीटिंग तक में भी ट्राइफर्केशन का इशू आरएसएस के डिस्कशन के एजेंडा के ऊपर नहीं था। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हैं, एक सियासी माहौल इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि 35A के ऊपर चर्चा हो रही है, 370 के ऊपर चर्चा हो रही है, रियासत के स्पेशल स्टेटस के ऊपर चर्चा हो रही है, और उसमें एक नई चीज़ ये भी डाल दी जाए कि ट्राइफर्केशन हो रही है। सो एज सच प्रैक्टिकली इस वक्त कोई चीज़ गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लेवल के ऊपर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो ट्राइफर्केशन के डायरेक्शन में किसी पॉलिटिक्स को पुश कर रही हो। थैंक यू वेरी मच।